मैडम इकडे समोर मैडम इधर धन्यवाद चलो थैंक यू धन्यवाद एक्सक्यूज मी भाई आपने मैम इधर 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 काजल मैम राइट साइड मैम बोथ ऑफ यू राइट साइड साथ में आइए एक साथ मैम मैम काजल जी एक साथ सर ऑल ऑफ यू राइट प्लीज राइट काजल जी यहां पर सामने मैम सामने देखिए सामने चलो धन्यवाद थैंक यू सो मच मैडम इकडे पूरी पिक्चर खड़े मैम राइट साइड मैडम राइट साइड मैडम अरे हाजिर का अवार्ड कुछ ना कुछ मायने ज़रूर रखता है और जब भी एक अवार्ड मिलता है आपको तो हमेशा बहुत बहुत खुशी होती है सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड आई रियली अप्रिशिएट आई एम नॉट आंसरिंग दोज क्वेश्चंस टुनाइट थैंक यू I'm not answering those questions tonight, darling. Thank you. Wrong time, wrong place. And Kajol ji, 16th birthday celebrate kiya. Ji, bilkul. Aisa maane ki wo bhi industry mein acting kar sakti hai. 16 saal ki hai wo. I think you can give her a break. और उसने अपना 16वां जन्मदिन अभी सेलिब्रेट किया है अभी के लिए वो 10वीं में है एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर बोर्ड एग्जाम्स दैट्स इट थैंक यू As of now, there is absolutely nothing. So maybe I'll take another 2-year break. Who knows? And but yes, I am planning something. Hopefully, I'll be able to announce it soon. Production house. Sunna tha ki Ajay ji ke saath bhi jab company koi collaborate karenge, aap koi film le rahe ya kuch aisa. As of now, he has not told me anything. अभी तक तो अजय जी ने मुझे कुछ बताया नहीं है. Fans come director? No. I think that's very clear in my mistake. No, not turning director anytime soon. Thank you. Thank you so much. मोबाइल है मोबाइल अंकल एक मिनट भाई Yeah.
पहली मत जाओ भाई, पीछे है ना भाई, पीछे आना, पीछे हो जाएंगे आप, उनको पीछे हो जाएंगे, थोड़े जान अजू तो पीछे हो जाओ, सब लोग पीछे हो जाए, बस पीछे हो जाओ ना। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ले भाई अपना जगह पे रखना, हां ना भाई एक सेकंड, आप ले लीजिए ना, आप ले लीजिए, आप ले लो, विनोद भाई आओ ना, अच्छा जी ठीक है, प्रेशर डाल दिया आपने। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों के और ये अवार्ड शो के लिए कि इन्होंने मुझे ये पुरस्कार देने का डिसीजन लिया है और मैं बहुत खुश हूँ और आप सब लोगों ने मुझे इस साल इतना प्यार दिया है और अगर ये पुरस्कार उस प्यार और एक्सेप्टेंस का एक रिफ्लेक्शन है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। देखिए मेरा ये मानना है कि जब एक एक्टर काम करना शुरू करता है या करती है तो वो कभी अवार्ड को जहन में रख के काम नहीं करते, लेकिन जब मिलता है, जब लोगों को उनका काम पसंद आता है तो हमेशा अच्छा ही लगता है। नहीं नहीं इनका और इनका दोनों कर लेते हैं। मनीष सर ने मेरे लिए साड़ी बनाई है और पिंक मेरा पसंदीदा कलर है और उनकी डिज़ाइन है, उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है आज और बस मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, अभी अभी पहनना शुरू किया है मैंने तो आई होप दैट आई कैन पुल इट ऑफ। Yes, it's my first time that I'll be voting and I think it's very important that everyone votes, especially our generation, because we're informed individuals and we need to take, it's a democracy that we're living in and we need to take it in our hands and make decisions. And Ishan is also here. जी ज़रूर यादगार रहेगी, मेरी फर्स्ट फिल्म है तो जाहिर है कि मेरे लिए हमेशा पूरी ज़िंदगी यादगार रहेगी और आप लोगों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया है तो उसके वजह से और भी यादगार रहेगी हमेशा। अरे भाई आगे से पिलर सागर स्पॉन्सर भाई आइए ना साथ में प्लीज आइए, अपना अपना अवार्ड के साथ आइए सर, व्हाइट लाइट बंद करना, सर आइए आपका भी अवार्ड दिखाइए साथ में, अरे जाने दीजिए उनकी, रुकिए मैडम जी, व्हाइट लाइट बंद करो, ये कौन है सर, यहाँ देखिए बोतल में सामने सामने जानवी मैम से सामने सामने आप सर चलो मैडम जी।
ना बेटा हाँ हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैम लुक सेंटर दोनों साथ में दोनों साथ में दोनों साथ में यहीं पे दोनों का दोनों का आ जा जा मैडम साथ में सही यहीं पे साथ में दोनों इधर इधर यहाँ पे यहाँ सेंटर में इधर भी इधर भी इधर भी मैम यहाँ मैम यहाँ आपका फोटो अरे हाँ यहाँ पे और लो 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 अदिति और वहीं पे थोड़ा इसे थोड़ा थोड़ा और सामने सामने छोटी दादा आप साइड में जाओ सामने सामने सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इट्स एंड ऑल्सो ये साल इज़ द 150th एनिवर्सरी एंड ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा सो इट मीन्स अ लॉट एंड आई थिंक जो अवार्ड है एवरी ईयर दे जॉइन हैंड्स विद अ स्पेशल कॉज एंड दिस ईयर ऑल्सो इट्स रियली स्पेशल इन फैक्ट वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू टीच लिटिल चिल्ड्रन अबाउट समथिंग दैट इज़ so relevant and so necessary in today's times about good touch, bad touch, and educating them, socializing them, and so I think it's really like amazing that the award joins hands with a special cause like this, an important cause like this. So actually, पिछले दो one and a half years में मैंने south में काफी काम किया है, starting with two films with Monish sir, and after that quite a few. Films with quite some amazing directors, so I think they're giving me something for excellence in South cinema. So I'm very happy because it's just been a very short while that I have tried to balance Hindi, Tamil, and Telugu, and I've gotten to do some really, really exciting work with really amazing directors there. So it feels very good. नहीं मुझे नहीं पता था. मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी इसके बारे में बहुत सारे लोगों मुझे एक्चुअली मैंने वो प्लेटफॉर्म देखा नहीं है सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट ऑनेस्टली आई हैव नॉट सीन एनीथिंग ऑन इट हाय हाउ आर यू आप देंगे हेलो शांति फालके आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रहता है जी ना सिर्फ मेरे लेकिन मुझे लगता है किसी भी कलाकार के ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा सम्मान है सो इट्स द सेम फॉर मी जी थैंक यू सर एक्चुअली इस तरह के जो आउटफिट होते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं अनीशा जैन ने मुझे स्टाइल किया है और कल हमने ट्राई किया फिटिंग कर दी पहन लिया इट्स क्वाइट सिंपल माफ़ कीजिएगा अवार्ड की फॉर मी आई थिंक अवार्ड सर दे सिग्निफाई रिकग्निशन एंड इनकरेजमेंट सो इट मीन्स अ लॉट टू मी दैट माई वर्क इज़ रिकग्नाइज दैट आई एम बींग इनकरेज बाई माई सीनियर्स बट टू मी आई गेस ऑल इट मीन्स इज पुल अप योर सॉक्स एंड डिलीवर बेटर एवरी टाइम कोई एक नहीं कहूँगा मैं सर आई थिंक ऑल ऑफ देम आर इक्वली वैल्यूएबल
with the awards come the experiences to meet with the seniors of the fraternity and to meet with the jury members and to meet with wonderful artists. So I think all those experiences are different for me, but all the awards are extremely valuable. They are all, I guess, the same in terms of value. TikTok को जी नहीं मैंने नहीं सुना था आपसे मैं पहली बार सुना musically हुआ करता था जी जी मेरी इस पे कोई राय नहीं है सर मैंने अभी अभी इसके बारे में मुझे जानकारी मिली है आपसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये डिसीजन लिया है तो I think important चीजों को मद्देनजर रखते हुए लिया होगा So I really don't know very much about it, so I won't comment on it. Hi, how are you? Good evening. Thank you, sir. And I do think that it will be a memorable event for you to receive this award. Do hope so, of course, yeah. And as you are ideal and you have made an impact with your personality and your acting, I would also like to add, probably this time you will receive for the first time. Gee, this would be my first time. Lots of people ask me, would you like to encourage them to come out and go because they definitely enroll. Oh, definitely. I think it's very important to take responsibility as a citizen of this country and even as a citizen of this world to be aware and to go out there and cast your votes because it makes a difference. Every single vote makes a difference and this is your contribution to our future as a nation. So I will be casting my vote. I hope that everybody who is of age will do the same. जी हाँ बिल्कुल of course as it is for any citizen of any country it is of course important. जैसे कि मैंने कहा it dictates the future of our country you know and this is the one way that we can make our voices heard and make a difference and make our choice you know so it's a democracy and we must play our part and we must do what we can as citizens. Thank you, sir. Thank you so much. It means a lot. Thank you. Anything? Thank you. Thank you so much. Thank you. ये मुझे दूसरी बार मिल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण रहा है पहली बार मैं अपने मॉम डैड के साथ आई थी लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि तुम खुद ही जाकर ले आओ बट आई थिंक लाइक एक वैलिडेशन मैंने कहा है कि बहुत सारे एक वैलिडेशन होते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए यू नो कि आपको आपको उसके लिए सेलिब्रेटरी एक मोड होता है क्योंकि कभी कभी आप काम में इतने ज़्यादा लाइक व्यस्त हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना काम कर लिया देन यू लुक बैक एंड देन यू सी कि हाँ यार बहुत फ्रूटफुल ईयर रहा है सो आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सेलिब्रेशन सो मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद हैं इनफैक्ट मैं साड़ियाँ बहुत सालों से पहन रही हूँ और
यूजुअली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओकेजन्स के लिए मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ. मैं कल से एक नया शो स्टार्ट कर रही हूँ जी के साथ. अभी मैंने वायाकॉम के साथ एक शो अभी रैप किया था 2 दिन पहले और अभी इमीडिएटली दूसरा शो स्टार्ट कर रही हूँ. सो आई थिंक इस साल का लाइनअप बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं. कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है और आई थिंक हर आर्टिस्ट को वही चाहिए कि आप एक अलग 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 किरदार प्ले करते रहें. सो वो करने के लिए मिल रहा है. सो आई थिंक इट्स ग्रेट. ओ हेलो, कैसे मिल गए? कैसे हो गया? थैंक यू. साकिब आ रहा है, मुझे पता नहीं था. ओ गुड. मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि साकिब ने बहुत अच्छा काम किया है. आई थिंक उसको अवार्ड मिलना चाहिए. उसने रंगबाज में बहुत ही बेहतरीन काम किया है और आई थिंक जब किसी आर्टिस्ट को उसके काम के लिए या उसकी मेहनत के लिए अवार्ड मिलता है तो आई थिंक दे वर्क हार्डर द नेक्स्ट टाइम. सो वेरी वेल डिजर्व फॉर साकिब फॉर श्योर. मैं एक सरकारी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर ज़्यादातर हमारे मेंबर्स हमारी फैमिली में या तो फिर पुलिस सर्विस में हैं या तो फिर मेरी फैमिली में सब आर्मी के ऑफिसर्स हैं या नेवी में हैं या तो फिर एयरफोर्स में हैं. तो मैंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ यही देखा है कि गवर्नमेंट के लिए या देश के लिए इतना प्रेम रहा है मेरे घर में. तो मैं वो देखते हुए बड़ी हुई हूँ. चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब इलेक्शंस होते हैं तो मेरे माँ बाप दे मेक श्योर कि सुबह सुबह उठ के हम लोग पूरी फैमिली के साथ वोट देने जाते हैं. और मुझे लगता है कि जो नहीं देते हैं वो एक अपना एज अ सिटीज़न एक अपना हक खो रहे हैं. अगर आपको अपना हक खोना है और आपको इस हक खोने की आदत है तो आई थिंक आप अपने आप को इस बार झकझोरिए और निकलिए अपने घरों से बाहर, क्योंकि ये आपका हक है. जैसे एजुकेशन और एक अच्छी ज़िंदगी जीना सबका एक हक है, वोट देना हर एक सिटीज़न का हक है. एंड आई डोंट थिंक ये हक किसी को खोना चाहिए. तो बहुत सोच समझ के अपना मतदान करें, बहुत सोच समझ के जो सरकार चुननी है, जो अपने लीडर्स चुनने हैं उनको करिए. किसी का दबाव या किसी प्रेशर के अंडर किसी को वोट मत करिए. भगवान ने दिमाग दिया है, उसका थोड़ा इस्तेमाल करें और जाके मतदान करें. 6 महीने बाद ये घटना हुई कि आतंकियों से मैं की मौत हो गई. आप क्या क्या मैं क्या रिएक्शन दूँ? मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ पर एजुकेशन ही नहीं महत्व दिया जाता है किसी को. जिस देश में एजुकेशन का महत्व नहीं है लोगों को, तो वो यही बेकार की बातें करेंगे. जो देश एजुकेटेड होता है वो देश कभी ऐसी बातें नहीं करेगा. थोड़ा पैसा जो इलेक्शंस में जो जा रहा है, अगर लोग किसी की पढ़ाई में डाल दें, किसी बच्चे की पढ़ाई में, तो वो बच्चा बड़ा होकर ये फिजूल की बातें नहीं करेगा. वो बड़ा होकर दिमाग इस्तेमाल करेगा और बेकार की श्राप और नागिन और पता नहीं जो बकवास बातें होती हैं, पता नहीं यार. मैं तो मतलब इतनी एजुकेटेड फैमिली से हूँ तो मुझे जब मैं ये सब सुनती हूँ तो मेरे तो मतलब मेरा खून खौल उठता है. मेरी माँ पुलिस में है, 40 साल उन्होंने पुलिस में बिताए हैं. बहुत ग्लोरिफाइड लगता है और बहुत गंदा कभी कभी दिखाते हैं कि पुलिस वाले ऐसे हैं, पुलिस वाले वैसे हैं. मेरी माँ CBI में थी. देर वर डेज वेन 5-5 दिन तक मुझे पता नहीं रहता था कि मेरी माँ कहाँ है, बिकॉज शी वॉज नॉट अलाउड टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद एनी ऑफ अस. बिकॉज एज अ CBI ऑफिसर माई मदर वॉज नॉट सपोज टू गिव आउट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट शी इज़ डूइंग, वेयर शी इज़ वर्किंग. एंड आई एम सॉरी एनीबडी हु सेज एनीथिंग अगेंस्ट द पुलिस डिपार्टमेंट, आई वुड पर्सनली पुल अप दैट पर्सन. बिकॉज मैंने मेरे घर पर वो कल्चर देखा है जहाँ पर ऑफिसर्स इतना काम करते हैं और अगर कोई उनको मतलब गाली दे या उनको मतलब नीचे दिखाए या उनको या अब्यूज़ करे, आई फील कि वो बंदा
मतलब बोलने लायक ही नहीं है. सो प्लीज़ मुझे पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन उन्हें जो भी कहा है मेरी कोई सहमति नहीं है उससे. थोड़ा पढ़ाई करती, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती तो आज श्राप राप की बातें नहीं करती. सॉरी, मेरा बहुत खून खौल उठता है इन चीज़ों को सुनकर. किसे? धोनी. चेन्नई सुपर किंग. जहाँ धोनी वहाँ हमारा मन. थैंक यू. सुमित जी के पास एक सवाल था. No, my parents are not there today. So, thank you so much. Long time. जी, जिन्हें करता धरता माना जाता है इंडस्ट्री का, जिनसे सिनेमा की शुरुआत हुई, उनके नाम पर जो अवार्ड्स हैं और ये जो अवार्ड्स हैं ख़ास तौर पर बहुत मायने रखते हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर. अवार्ड्स हमेशा मुझे लगता है एक एक्टर्स की ज़िंदगी में बहुत बहुत मायने रखते हैं. एक एक्नॉलेजमेंट होता है, एक अप्रिसिएशन होता है, और ख़ास तौर पर अगर एक नाम ऐसा जुड़ा हो जिन्होंने फिल्में शुरू की, सो दैट रियली मैटर्स अबाउट. जी जी, मेरा जो भी काम होता है मैं सबसे पहले उन्हें दिखाना पसंद करती हूँ और उनका सबसे पहले रिस्पांस आता है. दे आर फैमिली टू मी. तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि शबाना जी को कैसा लगा और जावेद साहब को कैसा लगा, एंड आई एम ग्लैड दे लाइक माय वर्क वेरी मच. और म्यूज़िक टीचर का रिस्पांस अच्छा आ रहा है और जब तारीफ मिलती है तो ऑब्वियसली इट फील्स वेरी गुड. गदगद हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है. अवार्ड मिल रहा है और वो भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सो इट्स वेरी नाइस. मुझे लगता है अभी भी इतने साल बाद भी पेट में गुदगुदी होती है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, और जब आप स्टेज पर जाके अपना अवार्ड लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब तालियों की गड़गड़ाहट आती है. थैंक यू. हाय, शुक्रिया. आपका चुनाव सबसे ज़्यादा मतलब कुछ श्रेणी रहता है, इसके पीछे कोई सोची समझी बात होती है जब आप चुनती है? मेरी कल फिल्म म्यूज़िक टीचर का एक डायलॉग था कि मैं कई बार दिल दिमाग से नहीं, दिल से ही काम लेना चाहिए. तो मेरा ज़्यादातर काम दिल से ही होता है, और जो दिल से ज़्यादातर काम होते हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं. सो माई रोल्स, माई चॉइस ऑफ देम, माई फिल्म, आई थिंक ऑल इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. थैंक यू. यू टू. थैंक्स. Thank you.
मैम यहाँ पे मैडम इधर इधर मैडम लेफ्ट में मैम लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड सर सर वही पे सर 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 रुकिए सर 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 यहाँ पे आते आते हो सकते सर सर मैम मैम यहाँ पे दादा साहेब फाल्के जी एक मराठी माणूस थे और उन्होंने सिनेमा को यू नो वर्ल्ड मैप पे रख दिया. एक्चुअली ही हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री इन इंडिया इंडियन सिनेमा और मराठी फिल्म में डेब्यू करके एक फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड मिलना ये एक अद्भुत बहुत सिंबॉलिक और बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है. विवाह के बाद मुझे ये ठाकरे के लिए ये पुरस्कार मिला है. सो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी. डेब्यू किया आपने और आपकी फिल्म मराठी फिल्म में डेब्यू किया आपकी फिल्म को काफ़ी सराहा गया एंड नाउ अब और आने वाली फिल्म आपकी मराठी में कंटिन्यू करेंगे हिंदी करेंगे. वेल ये प्लान नहीं था बट ये ऐसा हुआ कि ठाकरे जो थी वो बाईलिंगुअल फिल्म थी हिंदी और मराठी में इसीलिए मेरा मराठी सिनेमा में एक तरह से डेब्यू हुआ है इस साल और फाल्के पुरस्कार भी मिला है. बट आगे जाके मैं कोशिश करूँगी कि ऑफ कोर्स मराठी सिनेमा में मौका मिला तो मैं ज़रूर मराठी फिल्म करूँगी. बहुत ही आगे बढ़ रहा है वो सिनेमा मराठी एक्टर्स चाहे मराठी सीरियल्स हो मुझे हमेशा लगता है कि उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा रियल होती है. आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड और हिंदी में ऑफ कोर्स आई लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ वेरी वेरी डिफरेंट. जी वेल सबसे पहले ये बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि मुझे संजय राउत सर और हमारे निर्देशक अभिजीत पांड से सभी यू नो बहुत बड़े लोग हैं उन्होंने सोचा कि मैं मीनाताई ठाकरे का रोल प्ले कर सकती हूँ. ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि नवाजुद्दीन के साथ काम कर रही हूँ तो कैसा होगा ये वो. मैंने सिर्फ मीनाताई ठाकरे को पे फोकस किया एंड बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि मराठी वर्जन में भी मैंने खुद डबिंग की. इस बात की मुझे बहुत खुशी है.
And of course, आज सबसे पहला फ़ोन जो है वो नवाजुद्दीन का आया. He was the first one to congratulate me for winning the Dada Saheb Phalke Excellence Award for Azmina Tai Thakre and playing, you know, Marathi cinema में मुझे जो best debut का ये award मिला है. So it's very nice. I think वो ही एक सच्चे actor की पहचान है. मुझे बहुत खुशी हुई जब नवाज जी ने मुझे फ़ोन करके विश किया. Hi, how are you? Tell. Well, goes without saying. I think today, when you say Bollywood, which is like the colloquial term for Indian cinema, everybody on the planet knows what, you know, Bollywood is Indian cinema, and they don't only know about it, they're in awe of the medium. They know it's one of the biggest mediums in the world. So I think it's a matter of huge pride, and of course, you know, actresses like Priyanka have really put Indian actresses on the world map in a very different and a big way. So I think we're already there. जी मैंने सुना कि इश्क विश्क 2 बन रही है, पर प्यार सिर्फ पहली बार होता है. जो पहला प्यार है वो पहला प्यार होता है. बट आई नो दैट द जनरेशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड इश्क विश्क 2 विल बी वेरी वेरी डिफरेंट. बट जो एक कॉलेज लाइफ है और जो कॉलेज में जो मज़ा आता है वो सिर्फ कॉलेज में आता है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द होल फॉर टिप्स एक्चुअली. And I really wish that we see a new Ishq Vishk too. Do you play the characters like abhi Madhuri ji se baat hui thi ki unhone kaha tha ki hum aapke kaun mein Varun aur Alia ho, to aapko kya lagta hai ki Ishq Vishk kaun matlab ab segment hai? Well, Ishq Vishk की सबसे खास बात ये होगी, मुझे लग रहा है कि आप अगर नए चेहरों को देखें, जैसे मेरा शाहिद का डेब्यू था, मेरा भी ऑलमोस्ट डेब्यू था उस साल. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू सी रैंक न्यू फेसेस विथ नो बैकग्राउंड एंड लेट पीपल फॉल इन लव विद देम लाइक दे फेल इन लव विद राजीव एंड पायल ऑफ इश्क. सॉरी इस बार नहीं. I'm not following the game right now. IPL main is baar nahi follow kar rahi. Well, Virat of course is my favorite player all time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Kya haal chaal hai sab? Oh! Yahan pehle? Okay. Dekh rahe hain usse thoda usse. Thoda sa. दोबारा एंट्री करो, दोबारा एंट्री करो. एक और देख, देखो एक्टर वन देखो, लेकिन यहाँ पे चार ले सकता हूँ. चलो, अरे यार अभी सही नहीं है. उधर रुकते हैं, बस बस होल्ड होल्ड नहीं मिल रहा है. ऐसा सही है, वेट वेट. आपके छत्रछाया में ऐसा हो रहा है, मतलब पांच पांच बार एंट्री, एक और बार, एक और बार, एक राइट विंग से, एक लेफ्ट विंग से. सर कैसे कैसे बताएं सर, क्या नहीं था जी यार? आई थिंक जब से कुछ आधा पौना क्रिएटिव काम करना शुरू किया था, तब से इन अवार्ड फंक्शंस के बारे में सुन रहे हैं. और आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए इस तरह प्रिविलेज की बात नहीं हो सकती है कि वो ये अवार्ड फंक्शन अटेंड करे. और आई थिंक जब बचपन में मैं स्टेज पर चढ़ा करता था, एमसीइंग किया करता था, आरजेइंग किया करता था कुछ साल पहले, तो ऑफ़ कोर्स इन अवार्ड फंक्शंस का जिक्र बार बार होता था. तो ये नहीं पता था कि बॉम्बे एक दिन आके कुछ शायद यहाँ पे आने का मौका मिलेगा. या खतरनाक, आई लव द वर्ड जो आपने उठाया, खतरनाक रोल किया मैंने. ठीक है, डन विद, देन वी स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव एंड वी इंक्लूड इट इन दैट. डेफिनेटली पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं,
जो आपने खतरनाक बोला, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने बोला खतरनाक रोल करते हैं. सो आई मीन आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू गिव मी द राइट स्क्रिप्ट. एंड कई बार आप ये चीज़ें प्लान नहीं कर पाते हैं, कई बार अपने आप स्क्रिप्ट आप तक पहुँच जाती है या आप अपने आप स्क्रिप्ट तक पहुँच जाते हैं. कुछ कहीं और किसी और से मिलने गए होते हैं और एकदम से पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे किसी फिल्म की डिस्कशन चल रही है. सो ऐसा बहुत बार होता है, हर एक एक्टर के साथ होता है. सो आई थिंक आई जस्ट बीन इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट ऑफ यू नो ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज. आई वॉज जस्ट देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. एंड या आई मीन आई वॉज एबल टू डू जस्टिस टू दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Hello. Here? No, they don't want to. They want a picture. Thanks for coming. Okay, thank you. Come. Bye. कैसे हो? हाँ जी भाइयों, क्या हाल है? अरे सुमित की आवाज़ कैसी नहीं आई बताओ भाई, क्या हाल है? हाँ बताइए सर. बहुत हर अवार्ड मायने रखता है. एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है. सो आई थिंक हर एक्टर, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, हर एक्टर इसीलिए काम करता है कि उसके काम की सराहना हो, लोग उसको बताएं कि वो अच्छा काम करें. एंड आई थिंक अवार्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो उस एक्टर को सबसे ज़्यादा बता देती है कि उसका काम अच्छा हो रहा है. साकिब आप हंस की तरह कि मोती चुक रहे हैं, ये मैं समझा नहीं. आपकी बातें थोड़ी ना मेरी निकल जाती है कभी कभी. कोशिश करते हैं. आई फील लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस चल रही है यार एक्टर्स की इंडस्ट्री में और बहुत वेरीड काम हो रहा है. सो आई थिंक वन हैज़ टू बी केयरफुल दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू. एंड ऑफ कोर्स आई हैव मेड सम मिस्टेक्स इन द पास्ट. आई वांट टू नाउ गोइंग फॉरवर्ड आई वांट टू फिगर आउट दैट आई गेट द बेस्ट पार्ट फॉर माई सेल्फ. सर प्रेप हैज स्टार्टेड इट्स बीन 3 months दैट द प्रेप हैज स्टार्टेड. तो अभी हम वी आर इन द फेज ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि मूंछ कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, डायलेक्ट क्या होगा, क्रिकेट कितना होगा और कैसे होगा. सो आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है यार. आई हैव बीन अ क्रिकेट लवर ऑल माई लाइफ, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला भी है जीवन में. सो आई थिंक मुझे ये प्रेप में बहुत मज़ा आ रहा है. जी सॉरी. हर मैच, हर क्षण, हर पल, चाहे अगर देख नहीं पाता हूँ लाइव अपने मोबाइल पे, आई रियली लव क्रिकेट यार. सो आई रियली. देखो फेवरेट प्लेयर मेरा विराट कोहली है बिकॉज वो विराट कोहली है. और मैं आई नो आरसीबी शायद ऑलमोस्ट आईपीएल से बाहर हो गई है बट तब भी मैं उनको सपोर्ट करूँ. थैंक यू. अवार्ड्स होस्ट कर रहा हूँ आज
साथ में मुझे बेस्ट चैट शो ऑन रेडियो एंड डिजिटल भी मिल रहा है, तो बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े स्टेज पर, इतने बड़े लेवल पर बेस्ट चैट शो ऑन रेडियो एंड डिजिटल मिल रहा है. सो आई वांट टू थैंक ऑल द बॉलीवुड स्टार्स जो जो मेरे रेडियो शो पे आते हैं, मेरे डिजिटल शो पे आ रहे हैं. वी हैव क्रॉस्ड मोर देन 100 मिलियन व्यूज ऑन माय डिजिटल शो एज वेल. तो जितने भी स्टार्स आते हैं, थैंक यू सो मच. इससे बड़ा प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मिल सकता है, विच इज द दादा साहेब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड्स 2019. जी हाँ, थैंक यू सो मच. आप कह रहे हैं कि इस कम्पिटिटिव एज में अपने आप को री इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी होता है. आप हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझना बहुत ज़रूरी होता है. हर दिन आपके लिए नया होना चाहिए. आप ये नहीं सोचे कि यार मैंने अवार्ड जीता है, मैं 20 साल से ये कर रहा हूँ तो मैं नंबर वन पर हूँ. अगर आप अपने घर से निकले ये सोचते थे कि मैं एक छोटा सा लड़का हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो आप हमेशा अपने लिए काम करते रहोगे, री इन्वेंट करोगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी बरकरार रखोगे एक कॉलेज स्टूडेंट की, जो ज़रूरी होता है टू अचीव द स्काई. थैंक यू सो मच. देखिए, मैं इतने शोज होस्ट कर रहा हूँ और आज भी जब मैं होस्ट कर रहा हूँ दादा साहेब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड्स, मैं बस यही सोचता हूँ कि अगर रणवीर सिंह हो, काजोल हो, शाहरुख खान हो, विकी कौशल हो, रणबीर कपूर हो, जितने भी यंग ब्लड है एंड ऑफ कोर्स द खान्स हो, तो ऑटोमेटिकली मज़ा आता है क्योंकि इन लोगों को ये समझ है कि ऑडियंस के साथ क्या करे, क्या बदमाशी करे, किस तरीके से एंगेज करे ऑडियंसिस को, डांस करे, वाइस क्वप्स मारे. इनको पल्स मालूम है ऑडियंस की. आप कुछ भी एज अ होस्ट उन पर फेंके, जवाब दे वो लगानी पड़ेगा लग टेस्टिंग करके. हाँ मैडम जी, इधर से चल गई है विनोद. ये तेरे फूल इलामत मैडम जी, इधर जी विनोद मैडम, इधर देखिए अभी एक मिनट. हाँ सेम, जैसे मैडम जी अभी इधर साइड में.